आपका छोटा मुलाजम ते छोटा पैसे एक प्लेट बनाने इकट्ठा होया इकट्ठा होता ही क्यों ना, क्योंकि आज पंजाब सरकार ने टैक्स लगी है जेडे साडे ते हमले कर रही है जेडे केंद्र सरकार ने नीतियां ने ओ नीतियां दो साथियों बिना इकट्ठे नहीं हो पा रहा, कदे कदे नहीं हो पा रहा साथियों, एक करके सानू आज इकट्ठा होना पड़ा। खुशी की गल है कि आज पंजाब दे विच कोई जथेबंदी ऐसी नहीं, कोई ऐसा फ्रंट नहीं जेड़ा एक थान दे उत्ते इकट्ठा नहीं होया। मैं एदे वास्ते सारे कन्वीनर साडा धन्नवाद करदा जिन्होंने मेहनत करके वो सारे ग्रुपां नूं सारे मंचां नूं एक थान ते इकट्ठा करके अज इक एड्डी वड्डी कन्वेंशन करके पंजाब सरकार नूं हलूणा दित्ता कि उह समझ ले और मंगा मन्ने। जे मंगा नहीं मन्नदे तां सच्चे आउण वाला समां जिहड़ा हैगा इह तिक्खा संघर्ष होऊगा। फेर रिपोर्ट आ गई, बड़े साथी नूं उड़ीक सी, पंजाब गवर्नमेंट दी रिपोर्ट आ रही आ, बहुत कुछ आ रही आ, पर साथियों मैं सारी रिपोर्ट दा एनालिसिस कीता क्योंकि समा करता सारी रिपोर्ट डिस्कस नहीं हो सकती। पर मैं मोटे तौर पर दसना चाहना कि 80% मुलाजमान कोई फायदा नहीं है, 80% मुलाजम ने उन्हें 2.25 का फार्मूल लगूगा, कोई फायदा नहीं है साथियों। ये बड़े और बगैर घाटा पैदा इस गलत कि घाटा पैदा क्योंकि 239 पोस्टा का 239 कैटागरिया का 2023 केस होते गए थी, उन्होंने दो कैटागरिया ने जेडे के बड़िया कैटागरिया ने क्लैरिकल हो गए थले वाला वर्ग हो गया वो सारे वर्ग 239 कैटेगरी चाहता और उन्होंने कैटागरी 2.25 का बेनीफिट दिता जिदे उल्टा घाटा पै रहा, फायदा कुछ नहीं होना। घाटा किमें पै रहा, 148% एरिया लै रहे हैं तो हूँ मिलना 17%, बाकी उल्टा रकबलियाँ होनिया दोस्तों, इस करके सब कुछ प्राप्त नहीं होना। दूजी गल, दूजा कहाड़ा चलाया पत्तिया उत्ते पत्ते कट दिते और 15 पत्ते के कैंची फेर की तैयारी होगी, कहते 1 महीने के लिए जो है रिपोर्ट तैयार करनी है वो 15 पत्ते क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं है वो पत्ते भी खत्म कर दो। हाउस रेंट जेड़े के सारे कटी जा रही है, ये सरकार जी कर रही है, ये कोई आसा रखो वो वास्ते लोड़ आज। मैं सारे साथियों कहना चाहना कि पत्थरियां लगदियां मीटा करदियां छड़ दिओ, जे गवर्नमेंट बुलावे ये एक मन चाहे कहता जोड़ा पंजाब की मुलाजम हैगा कल कल जाने की साथियों कोई असर नहीं। अभी पावर कौन दे 85% मुलाजम के मुलाजमान 2015 तो पहला जिन्हों कोई तो ओल्ड अलाउंस मिल गया वो रिकवरी होंगी अलग के क्योंकि जो उत्ते 148% एडीए लै चुके हैं तो हम 17% मिलना। मैं कैलकुलेशन की थी कि जिसे 683 ओल्ड अलाउंस मिला 57,160 रुपये रिकवरी होंगी उस बंद की, मतलब एड्डा वाला फराक एड्डी वही गल है गवर्नमेंट ने साथियों कहाड़ा चलाया। इस करके बिल्कुल नवी नीतियां कदे रिस्ट्रक्चर का रेट कदे पोस्टा खत्म कर दी गल और स्केलां थोड़ा रही सारी गल की तो मुलाजमान फिर पटन जो है टाइट किया जा रहा और टाइट करने वास्ते साधु तो रोकी जोड़ा है एक एका रखना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता साथियों पहला भी गल आई थी कि सारे पंजाब एक झंडा तैयार होना चाहिए मुलाजम के पेंशन का और सारे पंजाब घर घर के झंडे ला दो, एक पोलीटिकल पार्टी को पता लगे कि एड्डी बड़ी शक्ति पंजाब के मुलाजमान पेंशनर की है। अगर एक हो गए अगर इनका साथियों जो है तब तार बन जाएंगे साथियों, इस करके लोड़ इस गल आओ आप सारे इकट्ठे होइए इस गल पढ़ करके जाइए कि साथियों हो रहा वो बखरे बखरे काम करने लोड़ नहीं और एक झंडे थले एक थान से इकट्ठे होकर संघर्ष करिए वो वास्ते साथियों आप सारे लामबंद होना पड़ेगा। पावर कॉम मैनेजमेंट ने भी चाल चल सू बनाने कोशिश कर रही है, इस तरह साथियों गवर्नमेंट चाल चल रही है, गवर्नमेंट ने अगर जथेबंदियों बनाने की कोशिश करनी है। पर मेरी हथ बढ़ के बेनती है सारे कन्वीनर साहबानू सारे जथेबंदी के मुखिया
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਬਰਾਡਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਝੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਪਾ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਅਗੋਲ ਕਰੀਏ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਆਲੀ ਚੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਥੀਓ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀਓ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੈ ਜੰਗਲਾ ਜੈ ਸਿਆ ਜਿੱਤ ਲੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।